बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? जवाब, मेराज शरीफ का। सवाल है, कौन सा काम करने से इंसान की याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है? जवाब, ज़्यादा सोने से। सवाल है, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, गरम खाना खाने से। सवाल है, किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत पर। सवाल है, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब, 3 किस्म के। सवाल है, मुनाफिक पर सबसे भारी नमाज किस वक्त की होती है? जवाब, फजर और इशा की नमाज। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले गेहूं की काश्त किसने की? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सा फरिश्ता है जो दिन में 2 मर्तबा हमारे घर आता है? जवाब, रिज्क वाला फरिश्ता। सवाल है, शैतान ने अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ कितने सालों तक किया था? जवाब, 40,000 साल तक। सवाल है, कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब, सदका देने वाले का। सवाल है, किस नबी की ज़ियारत करने के लिए जानवर भागकर आए थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। सवाल है, वो कौन सा अमल है जो गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? जवाब, हुस्ने अखलाक। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? और सही जवाब है, 60 हाथ। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब, 3 औरतों से। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हरूफ हटाओ तो खुदा का नाम बनता है? जवाब, अरब मुल्क का। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि माल और दौलत के अलावा और कौन सी चीज़ रिज्क में शामिल है? जवाब, नेक औलाद। सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां बड़े से बड़ा मुफ्ती भी नमाज पढ़ाए तो भी नमाज नहीं होती? जवाब, बेतुल्लाह शरीफ की छत पर। सवाल है, उम्मुल मसाकीन किस जौज़ा मुतहरा को कहा जाता है? जवाब, हज़रत ज़ैनब बिनत ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल,
लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो 2 माह के बाद तब्दील हो जाता है? जवाब, आईवीरो। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिससे ज़्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब, हुस्ने अखलाक और तकवा अख्तियार करने से। सवाल है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो अपने बिस्तर पर किसे सुलाया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, वो शख्स जो ज़कात अदा करने का हकदार है उसे क्या कहा जाता है? और सही जवाब है, साहिब निसाब। सवाल है, पुल सरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रेंगे। सवाल है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सा मुअज्जिज़ा अता किया था? जवाब, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करने का। सवाल है, जुमा के दिन किस वक्त हर दुआ कबूल होती है? सही जवाब है, खुतबा से लेकर नमाज ख़त्म होने तक। सवाल है, औरतों को पर्दा करने का हुक्म किस सूरे में नाजिल हुआ? जवाब, सूरे अहज़ाब में। सवाल है, सबसे पहले हज़रत आदम को किस फरिश्ते ने सजदा किया? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, बताइए कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की क्या ज़िम्मेदारी है? जवाब, रूह कब्ज़ करना। सवाल है, हज़रत इमाम हसीन के घोड़े का नाम क्या था? जवाब, ज़ुलजनाह। सवाल है, कलमा ईमान और आमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? जवाब, कलमा तैयबा को। सवाल है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किससे दोस्ती करने से मना फरमाया है? जवाब, यहूदी नसरा और मुशरिकीन से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और जाते जाते वीडियो के आखिर में कलमा तैयबा को पढ़ना ना भूलिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।